नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एशिया की मृदा। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि एशिया की मृदा में मृदा क्यों जरूरी है एशिया के मानव के लिए, क्योंकि ये एक आर्थिक आधार है तथा इसी के ऊपर कृषि व्यवसाय निर्धारित है। तो आज हम इसका वर्गीकरण रंगों तथा उसके गुणों के आधार पर करेंगे। एशिया महाद्वीप चूँकि बहुत बड़ा महाद्वीप है, इसमें अनेक प्रकार की उच्चावच्ची स्थितियाँ तथा वनस्पति का प्रभाव है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इस चीज़ को क्लियर किया था। उन्हीं के आधार पर आप देखेंगे जिस जिस क्षेत्र में जैसी वनस्पति थी और जैसा वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ जैसी वहाँ जलवायु थी, उसी आधार पर वहाँ की मिट्टी भी निर्धारित हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलेंगे। जलवायु में हमने क्या किया था कि उत्तर से हम दक्षिण से हम उत्तर की तरफ जा रहे थे, इसमें हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे, अर्थात ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ हम इसमें जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी भाग में विस्तारित टुंड्रा मिट्टी की। टुंड्रा मिट्टी का विस्तार एशिया के उत्तर में टुंड्रा जलवायु क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व यूराल से लेकर बेरिंग सागर तक है। इसे हम कटिबंधीय मृदा कहते हैं, क्योंकि जलवायु तथा वनस्पति के दीर्घकालीन प्रभाव से यह पूर्णतः विकसित होती है। तो सबसे बड़ा प्रभाव इस पर किसका पड़ता है? जलवायु तथा वनस्पति का। इसका वितरण जलवायु वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलता है। यहाँ पर मृदा कम विकसित है, क्योंकि इसकी निर्माण की प्रक्रिया कम विकसित है। और सबसे बड़ा कारण है जलवायु कारण, क्योंकि शीत ऋतु यहाँ पर लंबी पड़ती है, जिसकी वजह से तापमान कम है। तापमान कम होने से हमारे सामने तीन स्थितियाँ देखने को मिलती है। नंबर एक, जैव पदार्थों की संख्या में कमी आती है, एवं संख्या के साथ साथ इनकी सक्रियता में भी कमी आती है, क्योंकि तापमान कैसा है यहाँ पर? बहुत कम है। तापमान कम होने के कारण इस क्षेत्र में वनस्पति का भी अभाव है और जीवांश का जल्दी विघटन नहीं होता है, तथा जैविक पदार्थ धरातल पर रहने के कारण पानी को नीचे प्रवेश नहीं होने देते। और इस वजह से यहाँ पर क्या है कि शीत ऋतु भी लंबी है और निर्माण प्रक्रिया इन सभी कारणों से कम विकसित होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें मृदा की गहराई की। मृदा की गहराई यहाँ पर कम है, अर्थात 2 फुट से भी कम है। क्यों कम है? इसके पीछे कारण ये है कि इस क्षेत्र में तापमान -50 डिग्री तक रहता है। इतनी शीत ऋतु में, इतने कम तापमान में, हमने जैसे पहले बताया आपको कि मृदा निर्माण प्रक्रिया भी इसकी स्लो है। अब इन दोनों का परिणाम क्या निकलता है? मृदा की मोटाई भी कम है और जैव पदार्थ हमें ऊपरी परत पर ही देखने को मिल जाते हैं। ए लेयर की गहराई यहाँ पर कम पाई जाती है और कणों का आकार बड़ा है। कणों का आकार इसलिए बड़ा है क्योंकि निर्माण प्रक्रिया धीमी है। यहाँ पर लोह तत्व की अधिकता है और कमी है इस मिट्टी में, वो है महत्वपूर्ण खनिज तथा ह्यूमस की। ह्यूमस की कमी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वनस्पति कम है। मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि कठोर मृदा है। कठोर इन द सेंस फ्रोजन सॉइल, फ्रोजन मतलब जमी हुई मिट्टी है। निचली परतें, इस कारण क्या है क्यों फ्रोजन बोला हमने इसको, कि इसकी जो निचली परत है या निचली तह है, इसमें निचली तह में पानी की अधिकता है और दूसरी तरफ तापमान बहुत कम है। इस वजह से मृदा अत्यंत शीत के कारण कठोर होकर जम जाती है। तो हम इसको कठोर साइंस में हम कहेंगे फ्रोजन है, बर्फ़ के रूप में जमी हुई हमें ये मिलती है। ऊपरी तह पर इसका रंग कत्थई रंग का हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे कि क्या यहाँ पर कृषि उपज हो सकती है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर कृषि उपज 9 के बराबर है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही कम है, केवल दलदलों का यहाँ पर निर्माण हुआ है और वाष्पीकरण कम होने के कारण दलदलों का निर्माण भी अधिक हुआ है। कई स्थानों पर ऊपरी तह चिकनी है, परिणाम स्वरूप ग्रीष्मकाल में यहाँ पर पपड़ी पड़ जाती हैं। आर्थिक महत्व इस मिट्टी का नहीं है, क्योंकि कृषि तथा व्यापार यहाँ पर
नहीं होता है और जलवायु मानव के अनुकूल भी नहीं है। मानव के अनुकूल नहीं है क्योंकि इतने कम टेम्परेचर में मनुष्य सर्वाइव नहीं कर पाता है। -50 डिग्री टेम्परेचर, पानी जमा हुआ, धूप बिल्कुल नहीं, ग्रीष्मकाल मात्र 1 माह का, ऐसी विषम परिस्थितियों में मनुष्य के लिए यह अनुकूल रहने के लिए नहीं है। ये दशाएं मानवानुकूल नहीं पाई गई हैं। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति होती है, जैसे मैंने पिछले अध्याय में वनस्पति में पढ़ाया था, यहाँ पर वनस्पति होती है टुंड्रा। आप इस मानचित्र में देख लीजिए कि जो नीला वाला क्षेत्र है वो तो टुंड्रा वनस्पति को दर्शा रहा है, और जो इससे नीचे पीला वाला क्षेत्र है वो पोर्टजोल मिट्टी को दर्शाता है, पोर्टजोल मृदा को ये दर्शाता है। तो टुंड्रा वनस्पति यहाँ पर नहीं है, और टुंड्रा वनस्पति है जो कि मानव के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट हमारा है पोर्टजोल, पोर्टजोल मिट्टी, राख मृदाएँ भी इनको हम बोलते हैं। अगर हमने आपने ध्यान से उत्तर के कोणधारी वनों में के क्षेत्रों को या टैगा क्षेत्रों को पढ़ा है तो वहाँ पर पोर्टजोल मिट्टी पाई जाती है। इस पोर्टजोल मिट्टी का विस्तार एशिया के पश्चिम से लेकर उत्तरी चीन, उत्तरी रूस, उत्तरी कोरिया और उत्तरी जापान में है। इस मिट्टी का निर्माण पोर्टजोलाइजेशन की प्रक्रिया से होता है। इस प्रक्रिया के तहत क्या परिणाम निकलते हैं कि जैव पदार्थ तथा कार्बन आदि खनिजों का अभाव पाया जाता है। पोर्टजोल जो शब्द है वो पेडाल्सफर से बना है। इसका पेडाल्सफर का मतलब होता है ग्रे फॉरेस्ट सॉइल, चूना रहित अम्लीय धूसर मृदा। क्या कह सकते हैं हम इसको, ग्रे फॉरेस्ट सॉइल चूना रहित अम्लीय धूसर मृदा है। पेडाल्सफर, पैड प्लस, जिसमें कि आपको एल्युमिनियम तथा लोह अयस्क तत्वों की अधिकता दिखती है। मृदा की मोटाई यहाँ पर कम है, ए लेयर में 1 फुट से भी कम है, और जैव पदार्थ ऊपरी सतह के ऊपर ही हमें देखने को मिल जाते हैं। कमी की बात करेंगे तो ह्यूमस या जैव पदार्थों की कमी है। अधिकता यहाँ पर है एल्युमिनियम और फेरस की। कणों का आकार बड़ा है और रंग राख जैसा है।